नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। खबरों की शुरुआत करने से पहले ये नजर लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन की त्रिस्तरीय कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मतगणना, विजयी प्रत्याशियों को सौंपे गए प्रमाण पत्र। खरगोन लोकसभा की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न, कड़ी जांच और प्रेक्षकों की मौजूदगी में हुई गणना। और सिंगरौली जिले में लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी KVS चौधरी ने माना आभार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन की मतगणना का कार्य त्रिस्तरीय कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश के 51 जिला मुख्यालय में सुबह 8 बजे शुरू हुआ। मतगणना कार्य प्रारंभ करने के लिए स्ट्रांग रूम से EVM विधानसभा क्षेत्रवार ले जाई गई एवं मतगणना कार्य प्रारंभ किया गया। इस दौरान मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं SP परिसर का भ्रमण कर मतगणना कार्य और व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। मतगणना कवरेज के लिए मतगणना स्थल पर बनाए गए मीडिया कक्ष में पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी रही। मीडिया कक्ष में पत्रकारों को प्रत्येक मतदान केंद्रों की राउंड वार मतगणना की जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। खरगोन जिले में लोकसभा निर्वाचन की मतगणना गुरुवार को स्थानीय महाविद्यालय में संपूर्ण शांति के साथ संपन्न हुई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना स्थल पर तमाम व्यवस्थाओं, सुविधाओं और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में मतगणना हुई। विजयी उम्मीदवार गजेंद्र उमराव सिंह पटेल को रिटर्निंग अधिकारी श्री गोपाल चंद्र डार द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में विजयी प्रमाण पत्र सौंपा गया। सिंगरौली जिले में लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री KVS चौधरी ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और लगन के कारण मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न हुई। इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा दलों ने कड़ी मेहनत के साथ कानून और व्यवस्था की निगरानी रखी। निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने में जनप्रतिनिधियों ने भी पूरा सहयोग दिया। निर्वाचन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकार साथियों ने सराहनीय सहयोग दिया। निर्वाचन संपन्न कराने में परोक्ष एवं प्रत्यक्ष सहयोग देने वालों के प्रति कलेक्टर ने आभार ज्ञापित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।